17th क्रिस्प मिशन, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, सुभाष चंद्र बोस तथा आजाद हिंद फौज। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 86। क्रिस्प प्रस्तावों का वर्णन कीजिए, इन प्रस्तावों को क्यों नहीं स्वीकार किया गया? अथवा क्रिस्प मिशन की असफलता के कारणों का विवरण कीजिए। उत्तर, 1941 ईस्वी के उत्तरार्ध में विश्व की राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिन्होंने भारतीय स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित किया। जून 1941 ईस्वी में जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया। उसी वर्ष दिसंबर में जापान, अमेरिका और चीन भी युद्ध में कूद पड़े, अतः युद्ध का रूप पूर्णतः बदल गया। एक ओर जर्मनी, इटली और जापान तथा दूसरी ओर इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और साम्यवादी रूस थे। जापान ने 4 महीने में विस्मयकारी विजय प्राप्त कर ली। उसने ब्रिटेन को सिंगापुर, मलाया और बर्मा से मार भगाया। 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर, 8 मार्च को रंगून और 23 मार्च को अंडमान द्वीप समूह पर जापानियों का अधिकार हो गया। इस प्रकार युद्ध भारतीय सीमाओं में आ गया और इस देश में ब्रिटेन साम्राज्य के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। भारतीय जनता जापान के साथ थी। इन परिस्थितियों में अमेरिका, चीन आदि देश ने ब्रिटेन पर दबाव डाला कि वह भारत की जनता का युद्ध में सहयोग प्राप्त करने के लिए भारतीय नेताओं से बात करके उनको संतुष्ट करें। इस उद्देश्य के लिए क्रिस्प मिशन 23 मार्च 1942 ईस्वी को भारत आया। क्रिस्प को भारत भेजने के कारण। क्रिस्प को भारत भेजने के उत्तरदायी प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृष्टिकोण यह था कि भारत युद्ध प्रयत्नों में उसी समय सहयोग दे सकता है जबकि ब्रिटिश सरकार अपने उद्देश्यों, स्वतंत्रता और लोकतंत्र को कम से कम युद्ध के बाद भारत में लागू करने की घोषणा करें। व्यक्तिवाद सत्याग्रह का मार्ग अपनाकर यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि ब्रिटेन शासन के भारत विरोधी रवैये का विरोध करना कांग्रेस अपना कर्तव्य समझती है। अतः युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने वैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए नवीन प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक समझा। दूसरा, ब्रिटिश जनमत का दबाव। इंग्लैंड के अनेक प्रभावशाली व्यक्तियों ने सरकार पर ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि भारत की राजनीतिक समस्या का समाधान करने के लिए संतोषजनक कदम उठाया जाना चाहिए। तीसरा, ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव। युद्ध की स्थिति गंभीर होने के पूर्व ही राष्ट्रपति रूज़वेल्ट चयांग, काईशेक और ब्रिटेन के दूसरे सहयोगियों ने ब्रिटिश सरकार से भारत के साथ समझौता करने का आग्रह शुरू कर दिया था। पर्ल हार्बर पर जापान के आक्रमण के बाद इस दबाव में बहुत वृद्धि हो गई और ब्रिटेन इस दबाव के सामने झुकने के लिए बाध्य हो गया। चौथा, ऑस्ट्रेलिया का दबाव। ऑस्ट्रेलिया ने विदेश मंत्री इवाटट ने संसद में कहा कि भारत को स्वराज दे दिया जाए ताकि भारत युद्ध में अपना पूर्ण सहयोग करे।
पांचवा, जापान का तत्कालिक खतरा। जापान ने सिंगापुर, मलाया और इंडोनेशिया को विजय करके अंडमान तथा निकोबार द्वीप को जीत लिया था। जापान के जहाज बंगाल की खाड़ी में घूम रहे थे। 8 मार्च 1942 को जापान ने रंगून पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर ब्रिटिश सरकार घबराई। चर्चिल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मार्च को जापानी सेना रंगून में प्रविष्ट हो गई। मेरे सब मित्रों को यह अनुभव हुआ कि यदि भारत की ठीक ढंग से रक्षा करनी है तो राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए हर संभव तरीके से यत्न करना चाहिए। रंगून में जापानियों के घुसने के 3 दिन बाद चर्चिल ने यह घोषणा की कि भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक योजना तैयार की है और इस हेतु क्रिप्स को भारत भेजा जाएगा। मी स्टॉफर्ड क्रिस्प 22 मार्च 1942 को भारत आए और अपने 20 दिन के भारत प्रवास में कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्गों, उदारवादियों और देशी नशेरों के प्रतिनिधियों से मिले। इसके बाद उन्होंने भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जो क्रिस्प प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हैं। क्रिस्प प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्तावों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, युद्ध के उपरांत लागू होने वाले प्रस्ताव, और दूसरा, अंतरिम काल में लागू होने वाले प्रस्ताव। युद्ध के उपरांत लागू होने वाले प्रस्ताव। पहला, सम्राट की सरकार ने भारत में शीघ्र स्वशासन के विकास के लिए निश्चित कदम उठाने का निश्चय किया है। दूसरा, युद्ध के उपरांत भारत में एक संविधान निर्मात्री सभा बुलाई जाएगी, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों दोनों से प्रतिनिधि होंगे। तीसरा, नवीन संविधान को ब्रिटिश सरकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार कर लेगी और उसे व्यावहारिक रूप देगी। पहली पहली शर्त यह थी कि जो प्रांत या देशी रियासतें नए संविधान को स्वीकार न करें, उन्हें अधिकार होगा कि वे अपनी वर्तमान संवैधानिक स्थिति को बनाए रखें। बाद में यदि वे चाहें तो संघ में सम्मिलित हो सकते हैं। दूसरी, संविधान की यह स्वीकृति के उपरांत भारतीय संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के बीच एक संधि होगी, जिसमें अंग्रेजों से भारतीयों को उत्तरदायित्व हस्तांतरित करने की व्याख्या की जाएगी। अंतरिम काल में लागू होने वाले प्रस्ताव। प्रस्ताव में कहा गया कि भारत के सम्मुख जो संकट उपस्थित है, उसके मध्य में तथा जब तक नवीन संविधान कार्यान्वित हो, तब तक सम्राट की सरकार भारत की रक्षा, निर्देश तथा नियंत्रण का उत्तरदायित्व अपने हाथ में रखेगी। भारतीय जनता के सहयोग से देश की संपूर्ण नैतिक तथा आर्थिक साधनों को संगठित करने की जिम्मेदारी भारत सरकार पर होनी थी। क्रिप्स प्रस्ताव के अंत में कहा गया है कि सम्राट की सरकार की इच्छा है
कि भारतीय जनता के विविध वर्गों में नेता अपने देश ब्रिटिश राष्ट्रमंडल तथा मित्र राष्ट्रों के विचार विमर्श में प्रभावोत्पादक ढंग से भाग लें और इस प्रकार एक महान कार्य के संपादन में वे रचनात्मक तथा सक्रिय सहयोग प्रदान कर सकेंगे, जो भारत की स्वाधीनता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्रिस्प प्रस्तावों का मूल्यांकन। क्रिस्प प्रस्तावों के संबंध में डॉक्टर पट्टाभी सितारमैया ने कहा कि इसमें कांग्रेस लीग और देशी रियासतों सभी को खुश करने की बातें थी। औपनिवेशिक स्वराज संविधान सभा तथा ब्रिटेन से संबंध विच्छेद करने का अधिकार, उनमें कांग्रेस की मांग पूरी होती थी। हर प्रांत और राज्य को संघ से पृथक रहने का अधिकार देकर लीग की पाकिस्तान की मांग पूरी होती थी, किंतु युद्ध काल में ब्रिटिश सरकार सारी शक्ति अपने हाथ में ही रखना चाहती थी। इन सुझावों तथा प्रस्तावों को बड़ा भारी दोष था कि इसमें भारत को वास्तविक राजसत्ता देने की कोई तिथि निश्चित नहीं की गई थी। युद्धकालीन अवस्था में केंद्र में किसी उत्तरदायी सरकार या राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की कोई व्यवस्था इन सुधारों में नहीं थी। क्रिप्स प्रस्तावों में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया था, किंतु दोनों ने ही इस योजना को अस्वीकृत कर दिया। क्रिस्प प्रस्तावों कांग्रेस द्वारा क्रिस्प प्रस्तावों को अस्वीकृत करने के कारण। पहला, संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार रियासतों के राजा महाराजाओं को था, जनता को यह अधिकार नहीं दिया गया। दूसरा, भारतीय कांग्रेस देश की एकता में विश्वास करती थी। इन प्रस्तावों में मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर ली गई थी, जिसको कांग्रेस ने अस्वीकृत कर लिया। तीसरा, ब्रिटिश सरकार ने भारत को प्रतिरक्षा विभाग पर नियंत्रण देने से मना कर दिया था। चौथा, वायसराय को संविधानिक अध्यक्ष बनाने और केंद्र में राष्ट्रीय सत्ता की स्थापना करने से इनकार कर दिया था। मुस्लिम लीग द्वारा कृषि प्रस्तावों को अस्थि विकृति के कारण। पहला, इन सुझावों में स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं की गई और सारे भारत को एक रखने की कोशिश की गई। दूसरा, संविधान सभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व पृथक चुनाव पद्धति द्वारा नहीं किया गया। तीसरा, इन प्रस्तावों में दो संविधान सभाएं की व्यवस्था नहीं की गई। मुसलमान अपनी अलग संविधान सभा चाहते थे। चौथा, भारत और ब्रिटेन के बीच संधि की शर्तें निश्चित नहीं की गई। पांचवा, अंतरिम व्यवस्था के लिए कोई निश्चित सुझाव नहीं दिए गए। छठवा, प्रांतों के विधान मंडलों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व संतोषजनक नहीं था। सातवा, प्रांतों का केंद्र में अलग रहने का अधिकार स्पष्ट नहीं था। प्रांतों को इस विषय में निर्णय जानने के लिए भी कोई व्यवस्था सुझावों में नहीं की गई। कृषि मिशन की असफलता के कारण। पहला, असंतोषजनक सुझाव।
क्रिस्प प्रस्ताव या सुझावों की असफलता का मुख्य कारण यह था कि भारतीय परिस्थितियों में यह किसी भी समस्या को हल करने के लिए काफी नहीं था। सांप्रदायिक चुनाव पद्धति जो कि त्यों रखी गई, दूसरे भारतीय रियासतों के जो प्रतिनिधि वहां के राजा महाराजाओं द्वारा नामजद किए जाते, वे केवल राजा महाराजाओं के हितों का ही संरक्षण करते, जनता के हितों की वे अवहेलना करते। तीसरे, इन सुझावों का सबसे बड़ा दोष यह था कि प्रांतों को केंद्र के पृथक रहने और अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा दे दी गई थी। इससे भारत की एकता पूर्णतः समाप्त हो जाती। भारत दो टुकड़ों में नहीं अपितु कई टुकड़ों में बट जाता। चौथे, इन सुझावों में वर्तमान समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई संतोषजनक व्यवस्था नहीं की थी। पांचवें, कांग्रेस देश की तुरंत आजादी चाहती थी और यदि इस समय तत्काल संभव नहीं था तो वह चाहती थी कि तत्काल केंद्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की जाए और इसका प्रतीक्षा तथा अन्य विभागों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया जाए। कांग्रेस वायसराय को केवल नाम मात्र की शक्तियां देना चाहती थी, किंतु कांग्रेस की यह मांग पूरी नहीं हुई। दूसरी, अंग्रेज अधिकारियों का स्वार्थ तथा असहयोगी रवैया। अंग्रेजी अधिकारी भारत को वास्तविक स्वतंत्रता नहीं देना चाहते थे। क्रिप्स ने भारत में अपनी बातचीत के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल से कई बार परामर्श किया, किंतु चर्चिल भारतीयों को कोई वास्तविक शक्ति देने के पक्ष में नहीं था। तीसरा, अंग्रेजों के प्रति विश्वास की कमी। भारत में अंग्रेजों के प्रति बड़ा भारी अविश्वास था। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय दिए हुए अपने वचनों का पालन नहीं किया था। चर्चिल ने सितंबर 1941 ईस्वी में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि वह ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना था। उसने यह भी कहा कि एटलांटिक चार्टर में दिया गया निर्णय का अधिकार भारत पर लागू नहीं होगा। चूंकि भारतीयों को कुछ वास्तविक शक्ति एकदम देकर उनका विश्वास प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए सांविधानिक वार्ता की सफलता की कोई आशा करना व्यर्थ था। चौथा, क्रिप्स की गलत धारणा और परिस्थितियों को संभालने की अक्षमता। क्रिस्प के दिमाग में कई गलत धारणाएं जमी हुई थी। वह अपने को बहुत चतुर राजनीतिज्ञ समझता था। वह समझता था कि उसके सुझाव ही भारत की विषम स्थिति का एकमात्र हल है। उसका यह भी गलत विचार था कि कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू का निर्णय अंतिम निर्णय है। पांचवा, कांग्रेस की सैद्धांतिक दृढ़ता। कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कटिबंध थी। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बिना उसको कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं था। अतः क्रिप्स मिशन पूरी तरह असफल रहा। प्रश्न क्रमांक 87, कैबिनेट मिशन योजना क्या थी? उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा
कैबिनेट मिशन योजनाओं के गुण दोष लिखिए। उत्तर, सन 1946 ईस्वी में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुए जिनका प्रभाव भारत पर पड़ना भी स्वाभाविक था। चर्चिल के स्थान पर मजदूर दल ने नेता एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रति एटली का दृष्टिकोण चर्चिल से भिन्न था। एटली यह समझ चुके थे कि शक्ति के द्वारा भारत में अंग्रेजी शासन भविष्य में अधिक दिनों तक चलाए रखना संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त द्वितीय विश्व युद्ध में यद्यपि इंग्लैंड विजयी हुआ था, किंतु इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी तथा राजनीतिक रूप से भी उसका स्थान विश्व में सर्वोच्च नहीं रहा था। एटली ने समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए 15 मार्च 1946 को यह एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें उसने भारतीयों को आत्मनिर्णय के व संविधान निर्माण के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। साथ ही यह भी घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार सांप्रदायिक एवं राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजेगी। कैबिनेट मिशन 24 मार्च को दिल्ली आ पहुंचा। उसमें तीन सदस्य थे, भारत मंत्री पेथक लॉरेंस, सर स्टफर्ड क्रिस्प और एवी अलेक्जेंडर। भारत मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि मिशन के दो मुख्य उद्देश्य थे, स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए मशीनरी की स्थापना करना और केंद्र के अंतरिम शासन की व्यवस्था करना। मिशन ने 3 सप्ताह तक प्रमुख राजनेताओं तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों से बातचीत की, किंतु जिन्ना की हठधर्मी के कारण कांग्रेस तथा लीग के बीच कोई समझौता न हो सका। मिशन ने जिन्ना की समग्र पाकिस्तान की मांग को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया कि उसके दोनों ही क्षेत्रों में बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम निवास करते थे। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 37.93% और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 48.31% गैर मुस्लिमी थे। इतनी बड़ी संख्या में गैर मुसलमानों को पाकिस्तान में छोड़ना अन्यायपूर्ण तो होता है, साथ ही साथ वह जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के भी प्रतिकूल था। अतः पाकिस्तान की स्थापना के लिए पंजाब और बंगाल का विभाजन अनिवार्य था, किंतु उन दिनों प्रांतों के विभाजन से गहरा क्षेत्रीय संबंधों को ठेस पहुंचती और अनेक आर्थिक, सैनिक तथा प्रशासनिक कठिनाइयां उठ खड़ी होती। 16 मई को मिशन ने अपनी ओर से एक योजना प्रस्तुत की, जिसमें कांग्रेस तथा लीग दोनों को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया गया। उसकी विशेषताएं इस प्रकार थी। भावी संविधान के लिए संस्तुतियां क, भारत का एक संत होगा जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्य सम्मिलित होंगे। संत के अधीन केवल 3 विषय होंगे, प्रतिष्ठा, वैदेशिक मामले तथा संचार। शेष सभी विषय प्रांत अथवा राज्यों के अधीन होंगे। ख, प्रांतों को अपने समूह बनाने का अधिकार होगा। हर समूह स्वयं यह तय करेगा कि प्रांतों में कौन से विषय
उसके अपने अधीन रहें। ग, संघ तथा समूहों के संविधान में एक प्रावधान होगा जिसके अनुसार कोई प्रांत प्रारंभ में 10 वर्ष बाद और फिर 10-10 वर्ष की अवधि बाद अपनी विधानसभा के बहुमत द्वारा मांग कर सकेगा कि संविधान की शर्तें पर पुनः विचार किया जाए। संविधान सभा, संविधान निर्माण के लिए एक सभा होगी जिसमें राज्यों और प्रांतों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। प्रांतों के प्रतिनिधियों के चुनाव उनकी विधानसभाएं करेंगी। राज्यों के प्रतिनिधियों के चयन की प्रणाली वार्ता द्वारा तय कर ली जाएगी। संविधान सभा केंद्रीय संविधान की रचना करेगी। प्रांतों का समूहों में विभाजन, का हिंदू बहुल क्षेत्र मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार, मध्य प्रांत तथा उड़ीसा। ख, उत्तर पश्चिमी मुसलमान बहुल क्षेत्र पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत बलूचिस्तान तथा सिंध। ग, उत्तर पूर्वी मुस्लिम बहुल क्षेत्र असम तथा बंगाल। राज्य, भारतीय संघ तथा राज्य का सहयोग वार्ता द्वारा तय कर लिया जाएगा। स्वाधीनता के बाद राज्यों पर से ब्रिटेन का आधिपत्य समाप्त हो जाएगा। ब्रिटेन भारत संधि, ब्रिटेन तथा संविधान सभा के बीच एक संधि कर ली जाएगी। अंतरिम सरकार, केंद्र में एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी जिसमें बड़े दलों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। कैबिनेट मिशन योजना के गुण, पहला, भारत की एकता को सुरक्षित रखना और पाकिस्तान की अस्वीकृति। कांग्रेस भारत को अखंड रखना चाहती थी और मुसलमान लीग भारत को बांटकर पाकिस्तान बनाना चाहती थी। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया क्योंकि इसकी स्थापना से न तो सांप्रदायिक समस्या हल होती है और न ही मुसलमानों को कोई लाभ होता। पाकिस्तान आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध राज्य नहीं होता। सिखों की भी यह मांग थी कि पंजाब का बंटवारा न किया जाए। कैबिनेट मिशन के विचार में सैनियों का बंटवारा तथा संचार साधनों में गड़बड़ी उत्पन्न करना अवांछनीय था, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करके सारे भारत के लिए एक संघ स्थापित करने का सुझाव रखा। दूसरा, संविधान सभा का लोकतांत्रिक आधार। इस योजना का दूसरा गुण यह था कि इसमें संविधान सभा की रचना लोकतांत्रिक आधार पर होनी थी क्योंकि देशी रियासतों तथा प्रांतों की आबादी के आधार पर ही प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसी प्रकार प्रत्येक संप्रदाय को आबादी के अनुपात से स्थान दिए गए थे। अल्पसंख्यक वर्गों को आबादी के अनुपात से अधिक स्थान देने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। तीसरा, संविधान सभा में ब्रिटिश सरकारी अधिकारियों और यूरोपियों का न होना। संविधान सभा में समस्त सदस्य भारतीय ही हों। यूरोपियन और ब्रिटिश हितों के प्रतिनिधियों को उसमें कोई स्थान नहीं दिया गया। चौथा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को सीमित करना। 1919 ईस्वी के अधिनियम में यूरोपियन आंग्ल भारतीय समुदाय, भारतीय ईसाई तथा
1935 ईस्वी के अधिनियम में अनेक अन्य हितों को अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था। इस योजना के अनुसार अलग प्रतिनिधित्व इस सभी के लिए समाप्त कर दिया गया और केवल मुसलमानों तथा पंजाब के में सिखों के लिए रखा गया। पांचवा, देशी रियासतों की जनता को मान्यता देना। यद्यपि योजना में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था कि रियासतों की जनता को संविधान सभा में प्रतिनिधि चुनकर भेजना था, किंतु राजाओं को भी यह अधिकार नहीं दिया गया था कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को वे नामदज कर सके। समझौता समिति रियासतों की जनता के अधिकारों का निर्णय करने के लिए नियुक्त की जानी थी। छठा, अंतरिम सरकार। योजना में यह भी स्पष्ट किया गया कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा जिसके सदस्य भारतीय ही होंगे और प्रतिरक्षा विभाग पर भी भारतीयों का नियंत्रण स्थापित कर दिया जाएगा। शासन संचालन में इस अंतरिम सरकार को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जाएगी और ब्रिटिश सरकार इसे अपना सहयोग देगी। कैबिनेट मिशन योजना के दोष। पहला, निर्बल केंद्र। इस योजना के अनुसार जिस केंद्रीय सरकार की स्थापना होनी थी उसके पास केवल तीन विषय रहने थे, प्रतिरक्षा, संचार साधन और वैदेशिक संबंध। इससे केंद्र अवश्य ही निर्बल रहता और भारत कभी भी शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बन सकता था। दूसरा, पाकिस्तान के सार की स्वीकृति। यद्यपि भारत को इस योजना के अंतर्गत अखंड रखा गया था, किंतु मुसलमान लीग की मांग को अधिक से अधिक किसी अन्य रूप में स्वीकार कर लिया गया। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करते हुए भी इसके सार को इस रूप में मान लिया गया था कि प्रांतों के अनिवार्य रूप से समूह बनेंगे और केंद्र को दिए जाने वाले तीन विषयों को छोड़कर शेष विषय प्रांतों के पास होंगे। इस प्रकार वे अपने अपने क्षेत्र में मनमानी कर सकते थे। मुस्लिम लीग अल्पसंख्यक वर्गों के साथ मनमानी बर्ताव कर सकती थी। इस तरह से इन प्रांतों में हिंदुओं और सिखों को मुस्लिम लीग की दया पर छोड़ दिया गया। तीसरा, प्रांतों को अलग संविधान बनाने की आज्ञा। इस योजना में यह बड़ा भारी दोष था कि प्रांतों को अलग अलग संविधान बनने की आज्ञा दे दी गई थी। पहले प्रांतों को अपना संविधान बनाना था और बाद में संध का। परिणाम स्वरूप सारे भारतवर्ष में एक ही प्रकार की शासन पद्धति की स्थापना नहीं हो सकती। चौथा, देशी रियासतों के अनुचित अधिकार। इस योजना से देशी रियासतों को कुछ अनुचित अधिकार दे दिए गए। यह घोषणा की गई कि ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के ऊपर सर्वोच्चता न तो स्वयं रख सकती है और न ही वह केंद्रीय सरकार को दी जा सकती है। इसका यह तात्पर्य था कि देशी रियासतें पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगी और यह उनकी इच्छा पर निर्भर होगा कि वह संघ के संविधान को माने या ना माने। इस तरह से इस योजना में भारत के अनेक टुकड़े कर दिए गए। पांचवा, प्रांतों के समूह अवैज्ञानिक। प्रांतों के समूह वैज्ञानिक ढंग से नहीं बनाए गए
बल्कि मुस्लिम लीग को प्रसन्न करने के लिए बनाए गए। असम में हिंदुओं का बहुमत था, किंतु उसे बंगाल के साथ धकेल दिया गया, जहां मुसलमानों का बहुमत था। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में कांग्रेस का बहुमत था, किंतु उसे भी उसकी इच्छा के विरुद्ध ख समूह में धकेल दिया गया। प्रांतों में सांप्रदायिक आधार पर ग्रुप बनाना बहुत ही खतरनाक बात थी। प्रश्न क्रमांक 88। शिमला सम्मेलन पर एक लेख लिखिए अथवा शिमला सम्मेलन का वर्णन कीजिए। उत्तर, गांधी जिन्ना वार्ता की विफलता के बाद भारतीय राजनीति में यूरोप में युद्ध का अंत होने तक कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ। मई 1945 ईस्वी में यूरोप में लड़ाई लगभग समाप्त हो गई, किंतु एशिया में जापान अभी तक परास्त नहीं हुआ था। अमेरिका के लिए जापान के पराजय का जर्मनी की हार से भी अधिक महत्व था। अमेरिका सरकार का विचार था कि यदि भारत का पूर्व सहयोग उपलब्ध हो सके तो जापान को हराना सरल होगा। जापान की पराजय के लिए भारत का सहयोग आवश्यक था, अतः अमेरिकी सरकार ने ब्रिटेन की सरकार पर भारत की समस्या को हल करने के लिए दबाव डाला। यद्यपि चर्चिल का रवैया भारत के प्रति, विशेषकर कांग्रेस के प्रति अत्यंत कठोर था, किंतु विवश होकर उसे पुनः भारत की समस्या को सुलझाने के लिए कदम उठाने पड़े। 14 जून को लॉर्ड वेवेल ने घोषणा की कि 15 जून को शिमला में एक सम्मेलन होगा। दूसरे दिन कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्य रिहा कर दिए गए। सम्मेलन में विभिन्न दलों और संप्रदायों के 21 व्यक्तियों आमंत्रित किए गए। उनमें निम्न प्रस्ताव रखे गए थे। पहला, भारत सरकार के भारत के प्रमुख संप्रदायों की सहमति के बिना कोई परिवर्तन नहीं करेगी। यदि भारतीय पहले जापान के विरुद्ध युद्ध में सहयोग देने के लिए तथा तत्पश्चात भारत के पुनर्निर्माण के लिए राजी हों, तो सरकार आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार है। केंद्र में एक कार्यकारी परिषद की रचना की जाएगी, जिसके सभी सदस्य वायसराय और महासेनापति को छोड़कर भारतीय होंगे। दूसरा, वायसराय ये कार्यकारिणी परिषद में मुसलमानों व सवर्ण हिंदुओं की संख्या बराबर होगी। तीसरा, ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत को स्वशासन की ओर अग्रसर करना है। चौथा, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद अस्थायी राष्ट्रीय सरकार की भांति होगी। पांचवा, इन प्रस्तावों का भारत में के भावी संविधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। छठवां, युद्ध के उपरांत एक सर्वसम्मत संविधान बनाने तथा स्थायी हल निकालने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। सम्मेलन 14 जुलाई तक चलता रहा, किंतु अंत में असफल रहा। सम्मेलन की विफलता का मुख्य कारण जिन्ना की हठधर्मी थी। उसने दावा किया कि मुस्लिम सदस्यों को नामित करने का अधिकार केवल लीग को होना चाहिए। कांग्रेस इस मांग को किसी भी हालत में स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। उसका दबाव था कि सभी
संप्रदायों की प्रतिनिधि होने के नाते उसे अपनी सूची में सभी संप्रदायों के सदस्यों को सम्मिलित करने का अधिकार होना चाहिए। यदि कांग्रेस जिन्ना की मांग को मान लेती तो वह केवल सवर्ण हिंदुओं की संख्या बनकर रह जाती। कांग्रेस के अतिरिक्त पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी की भी समस्या थी। जिन्ना की योजना के अनुसार इस पार्टी को भी कोई मुस्लिम सदस्य नामित करने का अधिकार नहीं था, किंतु यूनियनिस्ट पार्टी सरकार की भक्त थी, इसलिए लॉर्ड वेवर उसका बलिदान करने को तैयार नहीं था। किंतु सम्मेलन की विफलता के लिए वेवर स्वयं भी जिम्मेदार था। उसने जिन्ना के हठ को मान लिया और उसे एक प्रकार का वीटो प्रदान कर दिया। वास्तव में उसे साहस करके जिन्ना के विरोध के बावजूद प्रस्तावों को कार्यान्वित कर देना चाहिए था। प्रश्न क्रमांक 89। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आजाद हिंद फौज के योगदान की समीक्षा कीजिए अथवा आजाद हिंद फौज पर एक लेख लिखिए अथवा सुभाष चंद्र बोस का परिचय दीजिए तथा आजाद हिंद फौज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर: सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकीनाथ और माता प्रभावती थी। उनके पिता अत्यंत धनी व्यक्ति थे जो पेशे से वकील थे। सुभाष के पिता पर अंग्रेजी सभ्यता का प्रभाव था तथा सुभाष को भी वे उसी तरह अंग्रेजी सभ्यता का पालन करते हुए देखना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस जिस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उसी समय बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन ने बालक सुभाष के हृदय को व्यापक रूप से प्रभावित किया। सुभाष चंद्र बोस पर विवेकानंद का भी अत्यधिक प्रभाव हुआ था। सुभाष चंद्र बोस अत्यंत मेधावी छात्र थे। 1913 ईस्वी में उन्होंने प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1915 ईस्वी में उन्होंने एमए की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। बीए के दौरान एक अंग्रेज अध्यापक सी एस ओटन ने कक्षा में पढ़ाते हुए एक दिन कहा कि यदि अंग्रेज भारत में न आते तो भारतीय सदैव असभ्य ही रहते। सुभाष चंद्र बोस इस बात को सहन न कर सके, परिणाम स्वरूप उन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। लगभग 18 महीने तक कॉलेज के बाहर रहने के बाद सर आशुतोष मुखर्जी की कृपा से उन्हें पुनः कॉलेज में दाखिला मिल गया। 1918 ईस्वी में सुभाष ने बीए की परीक्षा भी उच्च अंकों के साथ उत्तीर्ण की। 1920 ईस्वी में आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की, किंतु देश प्रेम की भावना के कारण अंग्रेजी शासन के अधीन नौकरी करना स्वीकार ने किया। भारत लौटकर मात्र 24 वर्ष की आयु में सक्रिय राजनीतिक में वे भाग लेने लगे। उनके राजनीतिक गुरु देशबंधु चिंतरजन दास थे। कलकत्ता में प्रिंस ऑफ वेल्स में अगस्त पर
सॉरी कलकत्ता में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला। उन्हें 1921 ईस्वी में पहली बार 6 माह की कैद की सजा दे दी गई। सन 1923 ईस्वी में चितरंजन दास द्वारा स्वराज्य दल की स्थापना किए जाने पर सुभाष चंद्र बोस को इस दल के महामंत्री का कार्य सौंपा गया। सुभाष चंद्र के प्रयत्नों से कलकत्ता नगर निगम के चुनाव में स्वराज्य दल को असफलता मिली। इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए अनेक क्रांतिकारी कार्य किए। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को शक्तिशाली बनाना चाहते थे, वे पर महात्मा गांधी के विचारों से वे कभी सहमत न हो सके। फिर भी गांधी जी के अनेक आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, किंतु महात्मा गांधी से वैचारिक मतभेद को देखते हुए उन्होंने अप्रैल 1939 ईस्वी में कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया व फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल बनाया, जिसका उद्देश्य संपूर्ण वामपक्ष को एक झंडे के नीचे एकत्र करना था। सन 1940 ईस्वी के अंतिम दिनों में ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को अपना प्रबल शत्रु समझते हुए उन्हें उनके घर में नजरबंद कर दिया था। 16 जनवरी 1941 ईस्वी को वे पुलिस को चकमा देकर पठान के वेश में मकान से बाहर निकल गए और गाड़ी में सवार होकर कलकत्ता से पेशावर होते हुए काबुल पहुंचे। काबुल में सुभाष चंद्र बोस का स्वागत इटली के एक मंत्री अल्बर्टो कुरोनी ने किया। सुभाष चंद्र बोस ने इटली के मंत्री अल्बर्टो कुरोनी को अपनी स्वतंत्र भारत सरकार की योजना में अवगत कराया व सहायता का आश्वासन प्राप्त किया। तत्पश्चात 18 मार्च 1941 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस रूस से सहायता लेने के उद्देश्य से काबुल से मास्को पहुंचे, किंतु इसी बीच जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण कर दिए जाने के कारण रूस से सहायता मिलने की सुभाष चंद्र बोस की आशा पर तुषारापात हो गया, किंतु मॉस्को में सुभाष चंद्र बोस की भेंट जर्मनी के राजदूत से हुई व 28 मार्च 1941 ईस्वी को हवाई जहाज में वह बर्लिन पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी योजना से जर्मन सरकार को भी अवगत कराया, जिसका जर्मन सरकार ने स्वागत किया। तब सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन सेंटर की स्थापना की। इस बीच जापान में सिंगापुर पर अधिकार करके अंग्रेजी साम्राज्यवाद को गंभीर आघात पहुंचाया। इसमें हजारों भारतीय सैनिकों को जापान द्वारा बंदी बना लिया गया, अतः सुभाष चंद्र बोस ने तत्काल जापान के लिए प्रस्थान किया। आजाद हिंद फौज। पहला चरण, आजाद हिंद फौज के निर्माण का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था। वह मलाया में ब्रिटिश सेना के अफसर थे।
जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी, उस समय उन्होंने जापानियों का साथ दिया। जापानियों ने भारतीय युद्ध बंदियों को मोहन सिंह को सौंप दिया। उन सैनिकों से आजाद हिंद फौज का निर्माण हुआ। सिंगापुर से मोहन सिंह को 50,000 भारतीय युद्ध बंदी प्राप्त हुए थे। 1942 में 40,000 ऐसे भारतीय प्रवासी थे जो आजाद हिंद फौज में भर्ती होना चाहते थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव भी मलाया के भारतीयों पर पड़ रहा था। 1 सितंबर 1942 को आजाद हिंद फौज के पहले डिवीजन का संगठन किया गया, जिसमें 16,300 सैनिक थे। इसके बाद मोहन सिंह और जापानियों में मतभेद हो गया, जिसके कारण जापानियों ने मोहन सिंह को बंदी बना लिया। दूसरा चरण, आजाद हिंद फौज का दूसरा चरण उस समय आरंभ होता है जब 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस बर्लिन से सिंगापुर पहुंच गए। उन्हें गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन में विश्वास नहीं था। उन्होंने वामपंथी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और हिंसात्मक उपायों का समर्थन किया था। उनका विश्वास था कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। 1940 में सरकार ने उन्हें नज़रबंद किया था, लेकिन 1941 में वह सरकार की आंखों में धूल झोंक कर बर्लिन चले गए। वहां से वह जापान पहुंचे। जापान में रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। इस लीग का उद्देश्य एक मुक्ति सेना गठित करना भी था। जब 1942 में जापान ने मलाया पर अधिकार कर लिया, उस समय आजाद हिंद फौज का गठन किया गया। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने लीग तथा आजाद हिंद फौज का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार भी स्थापित की। वे स्वयं प्रधानमंत्री तथा प्रधान सेनापति बने। उन्होंने आजाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने अपने सिंगापुर भाषण में कहा था, हमारी लड़ाई प्रत्येक प्रकार के साम्राज्यवाद के विरुद्ध है। साथियों, हमारा नारा होना चाहिए दिल्ली चलो। आज मैं आपको भूख प्यास घोर युद्ध तथा कठिनाइयों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकता। हमें अपना सर्वस्व बलिदान कर देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करना है। आजाद हिंद फौज को यह प्रेरणात्मक संदेश में उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अभिनय, आजाद हिंद फौज का मनोबल ऊंचा था, लेकिन उसके पास अस्त्र शस्त्रों और गोला बारूद की कमी थी। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि भारत को स्वतंत्र कराने का कार्य आजाद हिंद फौज करे। सैनिक बोस को श्रद्धा से नेताजी कहते थे। उन्होंने अनेक मोर्चे पर विजय प्राप्त की। बर्मा के जंगलों को पार करके वे आसाम की ओर बढ़े। 1944 में इम्फाल तक आ गए। उन्होंने असीम साहस से युद्ध किया, लेकिन जापान के आत्मसमर्पण
करने पर उन्हें भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। एक वायुयान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई। वास्तव में आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी थी। आजाद हिंद फौज में अधिकारियों पर मुकदमा। सरकार ने आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर देशद्रोह तथा सैनिक अनुशासन तोड़ने का मुकदमा लाल किले में चलाया। इन अधिकारियों में तीन प्रमुख थे, शाहनवाज, सहगल और ढिल्लन। सारे देश में असाधारण उत्तेजना फैल गई। उनके देशभक्ति कार्यों का यशगान सारे देश में हो रहा था। चारों ओर उनकी रिहाई की मांग की जा रही थी। 1945 में इन पर मुकदमा चलाया गया। कांग्रेस ने इनकी पैरवी का कार्य अपने हाथ में लिया। इसके लिए वकीलों की एक समिति बनाई गई, जिसमें भुलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, कैलाशनाथ काटजू, दीवान बद्रीदास, आसफ अली, टेकचंद्र बख्शी थे। बचाव पक्ष के मुख्य वकील भुलाभाई देसाई ने न्यायालय को बताया कि गुलाम देश का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध हथियार उठाए। आंदोलन। सारे देश में सभी वर्गों में इन सैनिक अधिकारियों की रिहाई की मांग की और इसके लिए आंदोलन चलाया गया। जुलूस निकाले गए, सभाएं की गई, समाचार पत्रों ने व्यापक प्रचार किया। जनता में एक प्रकार का भावुक उम्मीद फैल गया था। सरकार ने आंदोलनकारियों के विरुद्ध कठोर दमनात्मक कार्यवाही की। स्थान स्थान पर लाठी चार्ज किए गए और पुलिस ने गोली चलाई। कलकत्ते में 40 लोग मारे गए और 300 घायल हुए। बंबई में 23 व्यक्ति मारे गए और 400 से अधिक घायल हुए। अन्य स्थान पर भी यही स्थिति थी। न्यायालय ने तीनों अधिकारियों को आजन्म कारावास का दंड दिया, लेकिन जनता की उत्तेजना तथा सभी वर्गों की मांग को देखते हुए सरकार का साहस नहीं हुआ कि वह सजा को क्रियान्वित कर सकती। अतः गवर्नर जनरल ने अपने विशेष अधिकारियों का प्रयोग करके उन्हें मुक्त कर दिया। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 90। क्रिस्प के प्रस्ताव लिखिए। उत्तर। क्रिस्प के प्रस्ताव। पहला, उपनिवेश या अधिराज्य की स्थापना। दूसरा, संविधान सभा की स्थापना। तीसरा, संविधान सभा में भारतीय रियासतों का भाग लेना। चौथा, प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार। पांचवा, संधि। छठवा, देशी रियासतें। सातवा, संविधान की रचना का तरीका। आठवा, युद्ध के समय लागू होने वाले प्रस्ताव। प्रश्न क्रमांक 91। क्रिस्प मिशन की असफलता के कारण लिखिए। उत्तर। प्रश्न 86 का उत्तर देखें। प्रश्न क्रमांक 92। कैबिनेट मिशन योजना के गुण लिखिए। उत्तर। प्रश्न 87 का उत्तर देखें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? अ
मार्च 1941 में, ब 23 मार्च 1942 में, स 23 मार्च 1943 में, या द 23 मार्च 1944 में? और इसका सही उत्तर है ब 23 मार्च 1942 में। दूसरा प्रश्न, क्रिस्प मिशन भारत भेजने का प्रमुख कारण क्या था? अ युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना, ब भारत का विभाजन करना, स भारत को संविधान बनाने के लिए आदेश देना, या द उपयुक्त सभी बातें असत्य हैं? और इसका सही उत्तर है अ युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। तीसरा प्रश्न, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? अ 1942 ईस्वी में, ब 1944 ईस्वी में, स 1945 ईस्वी में, या द 1946 ईस्वी में? और इसका सही उत्तर है स 1945 ईस्वी में। चौथा प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत में अ संविधान सभा की स्थापना की गई, ब भारत को स्वतंत्रता दी गई, स देशी राज्यों को राहत दी गई, या द उपयुक्त सभी बातें असत्य हैं? और इसका सही उत्तर है अ संविधान सभा की स्थापना की गई। पांचवा प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? अ 1930 ईस्वी में, ब 1932 ईस्वी में, स 1935 ईस्वी में, या द 1938 ईस्वी में? इसका सही उत्तर है द 1938 ईस्वी में। छठा प्रश्न, आजाद हिंद फौज की स्थापना अ कैबिनेट मोहन सिंह ने, ब सुभाष चंद्र बोस ने, स राज विहारी बोस ने की, द जवाहरलाल नेहरू ने? इसका सही उत्तर है अ कैप्टन मोहन सिंह ने। सातवां प्रश्न, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया? अ राज बिहारी बोस ने, ब सुभाष चंद्र बोस ने, स कैप्टन मोहन सिंह ने, या द पी के सहगल ने? और इसका सही उत्तर है ब सुभाष चंद्र बोस ने।